हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ व्हाइट कलर का फ्लावर वीडियो शेयर कर रही हूँ। फैब्रिक फ्लावर, इसको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 5 मिनट लगता है इसको बनाने में, और इसको बनाकर आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मैंने यहाँ पर देखिए एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 19 इंच है, 19 इंच है। आप लोग चाहें तो प्रिंटेड कपड़े से भी बना सकते हैं, आप कि अपनी मर्जी है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर कर सिलना है, जैसा देखिए स्ट्रेट पार्ट था उसको इस तरह हाफ में फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट में सिल लेंगे। स्ट्रेट में सिलने के बाद ऊपर की तरफ नॉट लगा लेंगे। अगर आप लोग प्रिंट वाला कपड़ा ले रहे हैं तो रॉन्ग साइड में देखिए इस तरीके से सिल लेंगे, और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे और पूरी राउंड में जैसे नॉर्मल स्टिचिंग हम लोग करते हैं वैसे ही पूरी राउंड में स्टिचिंग कर लेंगे सुई धागे की मदद से। सुई में आप लोगों को धागा डबल लेना है, एक धागा से नहीं सिलना, डबल धागा लेकर सिलेंगे तभी फ्लावर आप लोगों का मजबूत बनेगा। और पूरी राउंड में देखिए इस तरीके से सिलकर तैयार कर लेना है। इस तरीके का फ्लावर बनाकर आप लोग बेबी ड्रेस वगैरह बनाते हैं, या फिर आप लोग इससे हेयर बैंड बना सकते हैं, हेयर बैंड में लगा सकते हैं, रबर बैंड बना सकते हैं, या फिर क्लिप वगैरह बना सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं बेबी के हेयर एक्सेसरीज़ तो आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को वो भी वीडियो शेयर कर दूँगी। पूरी राउंड में देखिए इसी तरीके से सिलेंगे, बस ध्यान ये रखना है दोनों फैब्रिक को बराबर पकड़ कर सिलना है, जैसा नॉर्मल स्टिचिंग होता है वैसे ही स्टिचिंग करना है। पूरी राउंड में स्टिचिंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से जैसा मैं दिखा रही हूँ पूरी राउंड में मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर लिया है। अब धागे को देखिए सिंपल एक बार एक साइड से जो धागा है उसको इस तरीके से खींचेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चून बैठ जाएगा और ये फ्लावर का शेप खुद ब खुद ले लेगा। बस इसको सेट अच्छी तरीके से करना है, हाथ से सभी लेयर को इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से जैसा मैं दिखा रही हूँ सेम वैसे ही बनाना है, और इसके बीच से एक बार इसको इस तरीके से खींच लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नॉट लग गया। अब इसके बीच में बटन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो नग लगा सकते हैं, यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए आप लोग कुछ और इस तरीके का अगर मोती है तो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड कलर का बटन का यूज़ किया है क्योंकि मैंने व्हाइट कलर का फ्लावर बनाया है, इसलिए मैंने रेड कलर का बटन का यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ नॉट लगाकर इसको कट कर लिया है और ये फ्लावर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।